हेलो फ्रेंड्स, प्रीति की रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं लेके आई हूँ फ्रेंड्स पालक पनीर की रेसिपी। फ्रेंड्स, ये पालक पनीर की सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट होती है और सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, हेल्दी होती है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये है हमारे पनीर, ये हमारी पालक और ये हमारी सब्जी के लिए ये हम पेस्ट तैयार करेंगे फ्रेंड्स। तो आइए फ्रेंड्स, हम अपने अगले कदम की ओर बढ़ते हैं और ये हम पालक को सबसे पहले बॉइल करेंगे। फ्रेंड्स, ये हमारा पानी बॉइल के लिए छोड़ दिया था, तो हमारा पानी गर्म हो चुका है। अब हम इस पालक को थोड़ी देर गर्म पानी में उबालेंगे और तुरंत थोड़ी देर 2 मिनट के अंदर अंदर फ्रेंड्स हम इसको बदल के ठंडे पानी में डालेंगे, ताकि इन पत्तों का कलर हमारा ग्रीन रहे। और नहीं तो हम ज्यादा देर तक इसको उबालेंगे तो पत्तों का कलर निकल जाएगा। हमारा पानी गर्म हो चुका है, अब हम इन पालक के पत्तों को पानी के अंदर डाल देंगे। फ्रेंड्स, ये हमारे पालक के पत्ते अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इनको ठंडे पानी में डाल लेंगे, ताकि इसका कलर हमारा ऐसे ही ग्रीन ग्रीन बना रहे। फ्रेंड्स, अब हमारे पत्ते अच्छी तरह से ठंडे हो गए हैं। अब हम इनको निचोड़ के मिक्सी जार में डाल के पीस। फ्रेंड्स, हमने ये पालक को मिक्सी में पीस के इसको पेस्ट बना लिया है। ये हमारा पेस्ट बनकर तैयार हो गया है फ्रेंड्स। और ये हमने प्याज लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट तैयार किया है फ्रेंड्स। और इधर हमारा तेल तैयार हो गया है, गर्म हो गया है अच्छे तरीके से। अब हम इसमें हम अपनी सब्जी बनाना स्टार्ट कर। फ्रेंड्स, हमारा तेल गर्म हो गया है, अब हम इसमें थोड़ा सा जीरा ऐड करेंगे। ये 2 सूखी लाल मिर्च है फ्रेंड्स, ये 2 सूखी लाल मिर्च डालेंगे इसमें। थोड़ा सा इसमें हींग डालेंगे। फ्रेंड्स, हमने इसमें अपना जो पेस्ट तैयार कर रखा था वो इसके अंदर डाल दिया है। फ्रेंड्स, हमारा ये प्याज लहसुन का जो पेस्ट था वो भुनकर तैयार हो गया है। अब हम इसमें अपने मसाले ऐड करेंगे। ये हम इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, ये 1 चम्मच सब्जी को तीखा चटपटा बनाने के लिए 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, नमक हमारा स्वाद के अनुसार जाएगा और 1 चम्मच हमारा गरम मसाला जाएगा और फ्रेंड्स थोड़ी सी हमारी यहाँ पे हल्दी जाएगी। अब हम इसको अच्छी तरह से मिला देंगे। फ्रेंड्स, हमारा मसाला बनकर तैयार हो गया है। ये हमारे मसाले के देखो फ्रेंड्स, तेल छूटने लगा है, इसका मतलब हमारे मसाले अच्छी तरह से पक गए हैं। अब हम इसमें अपना टमाटर का पेस्ट डालेंगे और इसको अच्छी तरह से पकाएंगे थोड़ी देर तक। फ्रेंड्स, हमारा मसाला बनकर तैयार हो गया है। ये इसके चारों तरफ से बबल्स आने लग गए हैं, ये हमारा परफेक्ट हो गया है फ्रेंड्स। अब हम इसमें गैस की फ्लेम को कम करके अब हम इसमें 2 से 2.5 चम्मच ये दही ऐड करेंगे। ये फ्रेंड्स 3 चम्मच दही ऐड किया हमने और इसको अच्छी तरह से मिला देंगे, ताकि इसमें थोड़ा सा खट्टापन आए। बहुत अच्छी लगती है फ्रेंड्स दही डाल के पालक पनीर बनाने में, सब्जी इसकी बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट। वाह फ्रेंड्स, हमारा ये दही मसालों के साथ अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है, इसमें मिक्स हो गया है। अब हम इसमें अपना ये पेस्ट, जो हमने पालक का पेस्ट तैयार किया था, वो पालक का पेस्ट इसके अंदर डालेंगे फ्रेंड्स। और अब हम इसको अच्छी तरह से चला देंगे। इस पेस्ट को फ्रेंड्स मैंने इसमें मसालों के साथ अच्छी तरह से मिला दिया है फ्रेंड्स। अब इसमें ये थोड़ा सा हल्का सा उबल जाएगा, फिर हम इसमें अपना पनीर डालेंगे। फ्रेंड्स, हमारा ये जो पालक का पेस्ट था अच्छी तरह से खदकने लग गया है। अब हम ये वाले पनीर इसके अंदर ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप चाहे तो ये पनीर को थोड़ा सा फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इनको फ्राई नहीं करूंगी, मैं कच्चे ही डालूंगी इनको। फ्रेंड्स, आप चाहे तो आप इसे फ्राई कर सकते हैं फ्रेंड्स। अब हम इसको 5 मिनट के लिए पकने देंगे। ये हमारी सब्जी बनकर तैयार हो गई है फ्रेंड्स। अब हम इसे सर्विंग बोल में अपनी सर्व करते हैं। हमारी
पनीर की सब्जी तैयार हो गई है फ्रेंड्स, पालक पनीर। और देखिए कितनी अच्छी लग रही है, और फ्रेंड्स ये देखने में जितनी अच्छी लग रही है उतनी खाने में भी बहुत अच्छी बनी है। फ्रेंड्स आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और फ्रेंड्स आप भी इस रेसिपी को बनाइए, खाइए और आनंद उठाइए, और प्लीज मुझे बताइए कि मेरी ये सब्जी कैसी बनी है, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज फ्रेंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।